अब सौंप दिया इस पेपर का हर भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट्स। होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइस आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग अब फुल प्रिपेयर होंगे अपने एग्जाम के लिए। जैसा कि आपको पता है आपका एग्जाम होने वाला है, बस आपकी क्या जर्नी रहेगी आपके घर से एग्जाम तक, होम टू एग्जाम, वो सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। कैसे पेपर करोगे, कैसे मार्कशीट करोगे, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें आपको लेके जानी है, क्या क्या नहीं लेके जानी है, हर एक चीज जो कि आपको पता होनी चाहिए सारी चीज मैं आपके सामने यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। समझ रहे हो बात को? कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बढ़िया से आपने अपनी प्रिपरेशन करी है, फुल कॉन्फिडेंट होकर के आपको जाना है, ठीक है? जैसे मैंने लिखा है होम टू एग्जाम, ठीक है? आपको अपने घर से एग्जाम तक आप कैसे जाओगे, क्या क्या आपका पूरा फंडा रहने वाला है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? आप होम टू एग्जाम वाली जर्नी को इंजॉय करो, ठीक है? और अब अच्छे से आपको अपना एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है? अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर वगैरह कर सकते हो, कमेंट लाइक वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? चलो, तो सबसे पहले अभी आप घर पे हो, बिल्कुल केयरफुली सुनना मेरी एक एक बात को। अभी आप घर पे हो एट होम, तो वहां पे हम देख लेंगे कि क्या क्या चीजें अभी आपको घर पे करनी है। पहली बात, आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा, उसका प्रिंट आउट निकाल लिया होगा, जो मैंने आपको इससे पहले वीडियो बनाई थी, मेक श्योर आपने वो देखी होगी कि आपको घर से फोटो लगा के जाना है, अपने बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लगा के जाना है, पेरेंट के आपको सिग्नेचर करने हैं, अपने सिग्नेचर आपको छोड़ देना, वो आप एग्जाम हॉल में करोगे। उससे पहले जो आपका डिक्लेरेशन वाला पोर्शन है वहां पे आपने नेम वगैरह अपना एड्रेस वगैरह लिखा होगा, ठीक है? ठीक है, ये बात आपने अपने घर पे करी होगी। उसके बाद आपने अपने आईडी प्रूफ भी रख लेना है, एडमिट कार्ड तो आपने रख लिया, उसके बाद आईडी प्रूफ आपको रखनी है, अपना आधार कार्ड वगैरह जो भी आपके पास आईडी होगी। बस एग्जाम में जब आप जाओगे तो इनविजिलेटर जो होंगे, जो वहाँ चेकिंग वाले होंगे, वो आपके पास आईडी देखेंगे, हाँ भाई आप जो उनके सामने खड़े हो वो आप ही हो या कौन है, ठीक है? इसलिए आईडी प्रूफ होना जरूरी है। फिर आपने पेन अपना सेलेक्ट कर लिया होगा, ठीक है? या तो ब्लैक पेन, ये सारी चीजें आपको पता है, और या तो ब्लू पेन आपको सेलेक्ट करना है, एक ही पेन ले जाना। कई बच्चे क्या करते हैं ना, ब्लैक भी ले जाते हैं ब्लू भी ले जाते हैं, नहीं, अगर ब्लैक ले जा रहे हो तो ब्लैक ही ले जाओ, दो चार पेन जितना भी ले जाने हैं, और ब्लू ले जा रहे हो तो सिर्फ ब्लू ही ले जाओ, दो चार पेन, दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं ले जाना, ठीक है? ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। वाटर, अगर आपको पानी वानी ले जाना है ट्रांसपेरेंट बोतल में तो वो आप ले जा सकते हो, ठीक है? थोड़ा बहुत, ठीक है, बाकी अगर नहीं है जरूरत तो मत ले जाना, और कुछ नहीं जाओ। इसके अलावा आपको कुछ नहीं ले जाना है, वॉच वगैरह भी नहीं ले जाने, क्योंकि एडमिट कार्ड में आपने इंस्ट्रक्शन देखा होगा, उन्होंने लिखा है कि वॉच वगैरह कुछ भी आपको नहीं ले जानी है। फिर भी आप बोल रहे हो कि नहीं सर वॉच तो चाहिए, एक जो नॉर्मल वॉच होती है, स्मार्ट वॉच नहीं, जो नॉर्मल वॉच होती है उसे आप ले जा सकते हो, अगर वो टीचर अलाउ कर रहे हैं तो ले जा लेना, मना करेंगे बाहर छोड़ देना, ठीक है? वैसे उन्होंने मना करा। फिर आपको घर पे क्या रहना है, बी पॉजिटिव, ठीक है? एक सकारात्मक सोच आपको रखनी है, पॉजिटिव रहना कि हाँ भाई मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ, अच्छे से करूंगा, मैंने पूरी तैयारी कर रखी है, जैसा भी आपने करा है अपना 100% दिया है, तो फुल तैयार रहना कि हाँ भाई मैंने अच्छे से करा है, ठीक है? आपको कॉन्फिडेंस लेके जाना है, ये सारी चीज आप घर से लेके जा रहे हो, सारी चीज आप घर से लेके जा रहे हो, एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ, पेन, वाटर, पॉजिटिविटी, कॉन्फिडेंस आप घर से लेके जा रहे हो, और मेन चीज गॉड, पेरेंट्स की ब्लेसिंग लेके जाओगे, ठीक है? अपने पेरेंट का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है, ठीक है? वो आप घर से लेके जाओगे बढ़िया तरीके से, क्लियर हुई बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको घर से लेके जानी है। इसके इस चीज को अगर आपने छोड़ दिया दिक्कत हो जाएगी, इनमें से एक भी चीज अगर आपने छोड़ दी दिक्कत हो जाएगी एग्जाम में, क्लियर है? चलो, पानी देख सकते हो, ओके? चलो, ना कि फिर हम बात करते हैं कि ठीक है सर हम घर से निकले, अब हम एग्जाम रूम की बात कर रहे हैं या हम एग्जाम की तरफ जा रहे हैं, तो क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी है। पहली बात, जब आप एग्जाम हॉल में एंटर करोगे, एग्जाम जो आपका वहां पे, जैसे आप अंदर एंटर करोगे, ठीक है, स्कूल के अंदर जाओगे, जो भी आपका सेंटर होगा, एक स्माइल के साथ अंदर जाना, परेशान मत होना, घबराना नहीं है कि यार कैसा होगा क्या होगा, बिल्कुल खुश होकर के जो भी आपको मिले हल्की सी स्माइल पास कर दो, ठीक है, और बिल्कुल आगे अपना बढ़ते जाओ। इसलिए लिखा है एंटर विद स्माइल, मुस्कुराहट जरूरी है, ठीक है। गिव योर 100%, आपको अपना 100% देना है, ये बात भी क्लियर हो गई, ठीक है। डोंट वेस्ट टाइम ऑन अननेसेसरी थिंग, जब आप एग्जाम रूम में हो तो फालतू चीजों पे बिल्कुल भी ध्यान मत देना। कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि क्लास में तो आपको पता है कई सारे बच्चे होंगे, अब टीचर उनके पास जाते हैं, वो ओएमआर पे कुछ गलती कर लेते हैं, अभी मैं सारी चीजें बताने वाला हूँ कैसे करना है, वो ओएमआर पे गलती कर लेते हैं, ठीक है, और सब बच्चे उसको देखते रहते हैं क्या गलत करा क्या गलत करा। नहीं, फालतू चीज पे बिल्कुल फोकस रखना है, ठीक है। आप समझना आपकी नजर सिर्फ ऐसी रहेगी, ठीक है, आपका जो टेबल होगा, जो डेस्क होगी, जहां पे आपका ओएमआर होगा, जहां पे आपका क्वेश्चन पेपर होगा, या जो टीचर होगा जो इंस्ट्रक्शन दे रहा होगा, ठीक है, इधर उधर बिल्कुल नहीं,
समझे बात को, इसलिए लिखा है डोंट वेस्ट टाइम ऑन अननेसेसरी थिंग, अननेसेसरी चीज पर ध्यान नहीं देना, कौन क्या कर रहा है कैसा नहीं कर रहा है, उस सब आपको बिल्कुल ये सोचना है कि यहाँ सिर्फ मैं ही बैठा हूँ, समझ रहे हो कि यहाँ सिर्फ मैं ही बैठा हूँ और टीचर बैठे हैं, बस इतना ध्यान आपको रखना है, ठीक है। इसके बाद फिर आपको ध्यान रखना है क्या कि जब आप OMR फिल कर रहे हो, आपको पता है OMR आपको थोड़ा टाइम पहले मिल जाएगी, ठीक है, जिस जब आपका एग्जाम जो प्रॉपर टाइमिंग होगी इतने बजे आपका एग्जाम शुरू होना है वो तो फिक्स रहेगा, ठीक है, तो उससे पहले हो सकता है आपको पहले OMR शीट और पेपर मिल जाए, तो आपको OMR फिल का टाइम मिल जाए। पहली बात, अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन होगी तो कुछ भी फालतू मत भरना, रुक जाना वहीं पे, टीचर आएंगे वो खुद आपके सारे कन्फ्यूजन दूर कर लेंगे। ये उन लोगों के लिए जिनको कन्फ्यूजन होगी, परेशान मत होना कि क्या होगा, कुछ डरने वाली बात नहीं है, वैसे भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। फिल डिटेल्स केयरफुल लिखा भी है, डिटेल को आपको बिल्कुल केयरफुली फिल करना है, सावधानीपूर्वक फिल करना है, एनी डाउट टीचर अवेलेबल है, ठीक है। कुछ भी डाउट होगा अगर आपने गलती से कुछ भी गलत कर दिया ना, फिर जो टीचर होंगे वो आपको अच्छा सा सुनाएंगे, बहुत डांटेंगे कि जब नहीं पता था तो बेटा पूछ लेता, ठीक है। इसलिए मैंने बोला एग्जाम रूम में एक स्माइल के साथ एंटर करो, ठीक है, और कुछ भी प्रॉब्लम होगी टीचर को पूछ लेना, ठीक है। अभी क्वेश्चन के लिए नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, कि क्वेश्चन यार सर ये बता दो, वो नहीं करना, ठीक है। चलो, डोंट मार्क एनीथिंग एल्स ऑन OMR, OMR पे आपको जो आपको डिटेल्स हैं वही फिल करनी है, उसके अलावा कुछ भी मार्क नहीं करना है, अभी समझाऊंगा आगे। यूज क्वेश्चन पेपर फॉर रफ वर्क, अगर कई बच्चों का डाउट रहता है कि रफ वर्क कहाँ करें, क्वेश्चन पेपर पे पोर्शन मिलता है वहाँ पे कर लेना, नहीं मिलेगा जहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हो वहीं पे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्लियर हो गया। या आपने एग्जाम रूम में आप एंटर कर रहे हो, धीरे धीरे आपके सामने आप क्वेश्चन पेपर आने वाला है, अब आपके सामने ये OMR शीट होगी, दिख रहा होगा आपको, ठीक है, आपके सामने इस तरीके से OMR शीट होगी, मैं यहाँ पे हल्की दिखा रहा हूँ आपको ताकि आपको थोड़ा एक क्लैरिटी मिल जाए, ठीक है। हल्के मैं आपको यहाँ पे OMR शीट की एक झलक दिखा रहा हूँ, OMR शीट आपके पास जैसे भी होगी वो तो आपको दिखी जाएगी, ठीक है। चलो, तो फिल कैसे करना है, मान लो आपका रोल नंबर है, कुछ भी आपका रोल नंबर है, आप ब्लैक या ब्लू पेन से कर रहे हो, हम ब्लैक पेन से कर रहे हैं, कोई भी मान लो आपका ये रोल नंबर है 7 2 5 3 9 8 9, इस तरीके से जितना भी आपका रोल नंबर होगा वो आप लोग फिल कर लोगे, ठीक है। अब यहाँ पे 7 है तो मैं इस रो पे नीचे आऊंगा, 7 7 7 7, जहाँ पे 7 मिलेगा मैं उसे क्या कर लूंगा, उस सर्कल को मैं यहाँ पे फिल कर लूंगा, फिल कर लिया, बढ़िया। 2 है, 2 को मैं फिल कर लूंगा इस रो में, ठीक है। 5 है, 5 के नीचे आप आओगे, 5 के नीचे आओगे, इसको मैं क्या कर लूंगा, फिल कर लूंगा, ठीक है। फिर आप 3 पे नीचे आओगे, 3 को आपने यहाँ पे फिल कर लिया। आप 9 पे नीचे आओगे, आपने जल्दीबाजी में 8 को कर लिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, इसलिए जल्दीबाजी मत करना। आपने यहाँ पे 8 को करा जबकि 9 होना था, समझ रहे हो बात को, जबकि होना 9 था, ठीक है, होना क्या था, 9 था, ठीक है। तो इसलिए केयरफुली करना है, 9 पे आपने इसको कर लिया, फिर 8 पे आपने इसको भी अच्छे से फिल करना है, सर्कल को पूरा फिल करना है, ठीक है, सर्कल को आपको पूरा सा अच्छे से फिल करना है, फिर यहाँ पे 9 है, ठीक है। देखो, ये ऐसा नहीं करना, जैसे मैंने यहाँ पे गलत कर लिया ना, मैंने ऐसे भर लिया तो ये गलत हो जाएगा, मैंने ऐसे भर लिया तो ये गलत हो जाएगा, प्रॉपर भरो, ऐसे ऐसे प्यार से भरो बिल्कुल, ठीक है, प्यार से भरना बिल्कुल, ऐसा पूरा ये सर्कल आपको यहाँ पे फिल कर लेना इस तरीके से, ठीक है। इस पे ऐसे वैसे मार्क नहीं करना, इधर उधर इस पे कहीं भी आपको मार्क नहीं करना है, दिक्कत हो जाएगी, समझ रहे हो बात को, इस तरीके से देख लिया। इसके बाद आपने अपनी डिटेल्स वगैरह जो भी होगा वो डिटेल फिल कर लेना। अब इस तरीके से आपके सामने आएंगे क्वेश्चन, ठीक है, मान लो आप फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, टिक तो बिल्कुल भी नहीं करना इन पे, फर्स्ट क्वेश्चन आप कर रहे हो, आपने क्वेश्चन पेपर में देखा, फर्स्ट क्वेश्चन जो भी होगा वो कुछ होगा, उसके 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, ABCD होगा या 1 2 3 होगा, जो भी है कोई दिक्कत नहीं है, जैसा भी होगा। 1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा उसका अगर बी ऑप्शन है आपके पेपर में, फर्स्ट का बी ऑप्शन करेक्ट है, आप देखोगे फर्स्ट क्वेश्चन बी ऑप्शन पे आपने क्या कर दिया, फिल कर लिया, समझ रहे हो बात को, ये आपका आंसर वहां हो गया सही, ठीक है। हो सकता है आपको इस तरीके से दिया हो, इनके भी आपको सेकंड क्वेश्चन है 1 2 3 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो परेशान मत होना, 1 2 3 4 में भी आपको ऑप्शन दिए जा सकते हैं, ठीक है, उस तरीके से आपका रहने वाला है। फिर यहाँ पे भी 1 2 3 4 लिखा होगा। अब जब आप मान लो आपने दूसरा क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, तीसरा भी आपको नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं होगा, आप तो बढ़िया से करोगे, चौथा क्वेश्चन जब आप करने जा रहे हो उसका आंसर आपको मिल गया कि सी ऑप्शन है, ठीक है, एक बार यहाँ पे सीक्वेंस जरूर देख लेना कि भाई मैं दूसरा तीसरा मैंने छोड़ा था, मैं चौथा क्वेश्चन कर रहा हूं, तो चौथा क्वेश्चन का सी आपको करना है, ठीक है।
ठीक है, एक तो ये बात आप ध्यान में रखोगे। फिर कई लोग क्या करते हैं, वो एक बारी जैसे कोई भी अपना जब वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो वो एक बारी जो भी आंसर होते हैं वो उसमें टिक कर देते हैं, है ना, कि फर्स्ट का ये है, फिर सेकंड का ये है, और लास्ट में फिर वो क्या करते हैं, वो मार्कशीट को फिल करते हैं। ठीक है, तो लास्ट में हो सकता है कि आपके पास टाइम ना हो तो फिर सारे आपके छूट जाएंगे, इसलिए साथ साथ फिल करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी वो आपकी अपनी हैबिट है, अगर आप टाइम से पहले सारे क्वेश्चन कर ले रहे हो और क्वेश्चन पेपर में आप आंसर टिक कर रहे हो, फिर एक साथ आप वहाँ पे फिल कर रहे हो अपनी सारी जो भी और मार्कशीट है, तो ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन टाइम को ध्यान में रखना। कहीं पता चल रहा पूरे क्वेश्चन तो कर लिए, लास्ट में जल्दीबाजी में फिर आपने मार्कशीट वो कर ली और सही से नहीं करा, उल्टा पुल्टा कर लिया, सीक्वेंस गलत हो गया, सारा मेहनत खराब हो जाएगी। ठीक है, चलो ये क्लियर हो गया। इसके बाद फिर आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा इसमें आपको क्या करना है, डोंट रीड होल क्वेश्चन पेपर। पहली बात, आपको पूरा क्वेश्चन पेपर नहीं पढ़ना है। ठीक है, पूरा क्वेश्चन पेपर नहीं पढ़ोगे। ठीक है, कोई भी अपना एक सेलेक्ट कर लो सब्जेक्ट और उसको करना स्टार्ट कर दो। अगर आप मैथ पहले कर रहे हो मैथ कर लो, इंटेलिजेंस कर लो इंटेलिजेंस कर लो, इंग्लिश कर रहे हो तो इंग्लिश कर लो, पूरा क्वेश्चन पेपर मत पढ़ो, टाइम वेस्ट होता है। अगर आपको पहले टाइम मिल गया, पहले अगर बोल दिया कि आप क्वेश्चन पेपर पढ़ सकते हो, खोल सकते हो, तो उस टाइम आप देख लेना कैसा कैसा फंडा है। अगर डायरेक्ट टाइम के बाद ही खोलने को मिल रहा है तो आप क्या करना, अपना सब्जेक्ट चूज कर लेना, उसे स्टार्ट कर लो। ठीक है, ऑलवेज रीड फोर ऑप्शन, जो भी चारों ऑप्शन होंगे उनको एक बार आपको पूरा रीड कर लेना है। कई बार क्या होता है कि एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट होते हैं और लास्ट में फिर ऑल ऑफ दी जिस तरीके से दिया रहता है ऑप्शन, तो सिर्फ एक ही आंसर देख के मत करना, चारों ऑप्शन एक बार पढ़ देना। फिल सर्कल केयरफुली विथ सीक्वेंस, ठीक है, जो सर्कल होंगे उनको और मार्कशीट में उनको सीक्वेंस से फिल करना, एक बार देख लेना कि आप कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो उसका कौन सा ऑप्शन है, सीक्वेंस से जरूर देखना। डोंट वेस्ट टाइम ऑन आउट ऑफ द रेंज क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो कि आपकी रेंज से आउट हैं उन पे ज़्यादा टाइम मत देना। ठीक है, उनको सीधे छोड़ देना, आगे निकल जाना। कहीं पता चला टाइम भी आपने बहुत ज़्यादा इस पे टाइम दे दिया और फिर वो सही से भी नहीं हुआ, आंसर भी नहीं निकला, तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को क्या करना है, ध्यान में रखना है, जो जो बातें आपको बताई है वो आपको ध्यान में रखनी है, बाकी घबराना नहीं है, पूरी तैयारी आपने कर रखी है, उस तैयारी को बस आपको इम्प्लीमेंट करना है और कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, फिर देखो अब आप बोलोगे सर जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, ठीक है, गेस द आंसर, उनके हम आंसर कैसे गेस करेंगे, ठीक है, उनके आंसर कैसे आप गेस करोगे या तुक्का कैसे मारोगे, सीधी सी बात है। ठीक है, पहली बात अपने मन को शांत रखना, ठीक है, मन को बिल्कुल फोकस रखना, शांत रखना, ट्राई करना, ठीक है, गो फॉर राइट आंसर, ट्राई करना उसके राइट आंसर की तरफ जाने का, जो चार ऑप्शन होंगे उनमें ट्राई करना कि ज़्यादा सही कौन हो सकता है। ऐसा नहीं हो रहा है, सही आंसर आपको बिल्कुल नहीं पता है, तो ट्राई करो गो फॉर रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर पे जाने का ट्राई करो। एक तो पॉसिबिलिटी है कि आप सही आंसर पे जाओ, अगर सही आंसर बिल्कुल भी नहीं आ रहा तो ट्राई करो गलत आंसर पे जाने का। ठीक है, गलत आंसर मिल गया उसे साइड ही कर लो। ठीक है, हो कभी कभार हो जाता है कि आपको ये पता नहीं रहता कि इसका क्या आंसर होगा, लेकिन आपको ये पता रहता है कि जो ऑप्शन इसमें दे रखे हैं ये तो इसका आंसर होने ही नहीं वाला। ठीक है, तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो, उसको आप हटा सकते हो, इसलिए लिखा है या तो राइट आंसर पे जाओ अगर ये ट्रिक काम नहीं कर रही है, फिर रॉन्ग आंसर पे जाओ। ठीक है, रॉन्ग आंसर को हटा दो, जो बचेंगे उनमें से फिर थोड़ा अपना दिमाग लगा लेना, ये भी काम नहीं कर रहा, कुछ भी आपको नहीं आ रहा, सीधे सीधे क्या कर लो, गो फॉर ऑप्शन बी या सी। ठीक है, ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है, भले ये हर बार नहीं होगा लेकिन ज़्यादातर केसेस में होता है कि जो आंसर होते हैं ना वो बी और सी में से ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है, आपने देखा भी होगा बी ऑप्शन या सी ऑप्शन, क्योंकि जब मैं अगर कोई पेपर बना रहा हूँ तो मैं कम चांसेस रखता हूँ कि ए करेक्ट ऑप्शन हो, जो ए ऑप्शन दिया हो उसमें जो आंसर हो वो सही हो। ठीक है, क्योंकि साइकोलॉजी है, एग्जाम से हम फर्स्ट वाले ऑप्शन में आंसर नहीं डालते हैं। ठीक है, ये बी और सी में से ज़्यादातर देखा जाता है, भले जो पेपर होता है वो बैलेंस में बनता है, ए बी होगा, लेकिन जब हमें कुछ भी नहीं आ रहा, हम तो गेस कर रहे हैं, तो गेस में आप इस पे जाओगे। ठीक है, अगर ये भी काम नहीं कर रहा है, या ये तो खैर काम लास्ट ऑप्शन तो आपके पास यही है, इसे तो आपको करना ही करना है, फिर भी एक बार आप देखोगे गो फॉर ऑल ऑफ द अबव। कई बार ऑप्शन में क्या होता है, आपको तीन चार ऑप्शन होंगे, उनमें से लास्ट ऑप्शन या कोई भी ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, या इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा क्या, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, या बोथ बी एंड सी, तो जो बोथ वाला होगा, जो ऑल ऑफ वाला होगा, उसे आप टिक कर देना फिर। ठीक है, सिक्योर है कि आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम गेस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेटली आपको वर्क करेगा। सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलमोस्ट बता दी कि कैसे आपको एमआर को फिल करना है, कैसे क्वेश्चन पेपर को करना है, इस तरीके से आपको कैसे आंसर को गेस करना है, वो भी आपको चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इसके बाद बढ़िया से करना। ठीक है,
ऑल द बेस्ट सबको, ठीक है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप बिल्कुल बढ़िया से फोड़ के आओगे पेपर को, ठीक है। आपने पूरी मेहनत कर ली है, ठीक है, बस अपने शांत माइंड से आपको रहना है और जितना हो सके चीज़ों को आपको रिवाइज करना है, ठीक है, अपने माइंड में, क्योंकि अब आप एग्जाम हॉल में हो, पूरा 100% देना अपना, ट्राई करना कि जो चीज़ हमने पढ़ी उसे रिकॉल करने का, ठीक है, और एक पॉजिटिव वे के साथ। जो क्वेश्चन नहीं आएंगे परेशान मत होना, आपके पास कई सारे वहाँ क्वेश्चन है और सब क्वेश्चन को करना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जो क्वेश्चन नहीं भी आएगा उस पर भी हमने जो अभी गेस बताया वैसा कर लेना, ठीक है, और फिर पेपर के बाद मिलते हैं, ठीक है। बिल्कुल फोड़ के आओगे आप लोग और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, ठीक है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट और याद रखना, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ोगे नहीं। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट।